श्याम श्याम मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग छात्राओं ने जर्जर हॉस्टल को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं ने बताया कि एक सैकड़ा से अधिक सीट होने के बावजूद उन्हें छोटे से हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, जिसमें एक रूम में एक दर्जन से अधिक छात्राएं रहती हैं। हॉस्टल इतना जर्जर हो चुका है कि आए दिन शॉर्ट सर्किट से जहां आग लगती है, वहीं कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही जर्जर हॉस्टल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसमें एक छात्रा का सामान जलकर राख हो गया था, जिसके बाद छात्राओं ने आक्रोश व्यक्त किया था। आइए सुनते हैं छात्राओं ने ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए क्या कहा है। हम यहाँ पे अपने हॉस्टल की जर्जर स्थिति को लेकर एप्लीकेशन लेकर आए थे कलेक्टर सर के पास कि मतलब हमारा हॉस्टल अभी तक क्यों नहीं बनाया गया है। मतलब बहुत दिनों से हमें डीन सर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आपका 4 सालों से हॉस्टल बन रहा है, बट वो अभी तक बना नहीं है, उसका कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल नहीं रहा है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमें नया हॉस्टल दिया जाए। सीट इतनी सारी 120 स्टूडेंट की सीट है, बट यहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल नहीं है। बच्चे दूर से आते हैं, अप डाउन करते हैं, सबको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। कल तो एक एक्सीडेंट भी हुआ कि मतलब बच्चों के रूम में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत लॉस हुआ है। एक रूम में 18 लड़कियां रहती हैं। कल डीन सर मौके पे पहुंचे थे, उनसे हमने बात करी, बट उन्होंने यही कहा कि हम आपको शिफ्ट कर रहे हैं, एक हॉस्टल में दूसरा हॉस्टल दिया जा रहा है आपको। बट वो हॉस्टल भी पूरी तरीके से असुरक्षित है, उसकी भी हालत ख़राब है, मतलब इसी हॉस्टल की तरह वो हॉस्टल भी है। वो भी पुराना ही है। मेरा नाम समीक्षा मिश्रा, हम बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हैं। इनकी मुख्य डिमांड ये है कि इनका कोई हॉस्टल है जो बता रहे थे कि जर्जर हो चुका है, और कुछ एक दो दिन पहले वहाँ पे आग वगैरह लग गई थी। तो उनकी डिमांड है कि उनको नया हॉस्टल प्रदाय किया जाए, और उनका कहना है कि डीन मेडिकल कॉलेज द्वारा जो उनको हॉस्टल प्रदाय किया जा रहा है वो पहले से ही और जर्जर है। तो उनको यही आश्वासन दिया गया है कि उनके सिक्योरिटी और जो उनकी समस्याएं हैं उसके संबंध में डीन मेडिकल कॉलेज को निर्देश कलेक्टर महोदय की ओर से दिए जा रहे हैं कि तत्काल उनकी जो उचित व्यवस्था है वो की जाए। नहीं, पहले से उसके लिए बजट वगैरह अलॉट हो चुका है। बिल्डिंग्स जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उसमें समय कुछ ज़रूर लग रहा है। तो उसके लिए डीन मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कलेक्टर महोदय द्वारा कि टाइमली उनकी व्यवस्थाएं कर दी जाएँ, जो कि सिक्योर रहें, जो जिससे उनको किसी तरीके की सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो और इस तरह की समस्याएं उत्पन्न ना हो। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।